जय माता दी, राम राम, सीता राम। महाभारत में छे वन पर्व अध्याय 251 मो दैत्य दुर्योधन ना उत्साह में करेलो वधारो। वैशम भाई कहे से राजा क्रोधी दुर्योधन राजा उपवास करवाने हठ लईने बैठो एटले सुबळ पुत्र शकुनी तेने समझावीने कहवा लाग्या। शकुनी बोलियो, हे कुरुश्रेष्ठ पुत्र कर्ण तमने जे हित वसनो कह्या ते तमे सांभळ्या, छतां तमे उपवासथी देह त्याग करवा तैयार थया छो। ते ऊपरथी जणाय छे के मैं जे उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी हरण करीने तमने अपावी से तेनो तमे शूँ मूर्खताथी त्याग करवा बैठा छो। हे राजा, तमे अल्पबुद्धि ने लीधे प्राणनो त्याग करवा तैयार थया छो। ते ऊपरथी मने लागे छे के तमे वृद्धोनी सेवा करी नथी, माटे तमने आवा विचारो सूझे छे। जे मनुष्य प्राप्त थयेला हर्षने अने शोकने स्वाधीन में राखतो नथी, पण शोकथी अंधेरो बने से अने हर्षथी सकी जाय छे। ते प्राणीमां पड़ेला कासा मटीडीना घड़ा माटीना घड़ानी पेठे राज्यलक्ष्मी संपादन कर्या छतां पण नाशने ज पामे छे। तेमज अंति भीरू घणा अंधेरा दिल सूत्रित प्रसादी अने विषय ने लीधे वंशात्का राजा ने प्रजा कदी पण भजती नथी। हे दुर्योधन, पांडवों ने तमारो सत्कार कर्यो छे, छतां पण तमने शोक थाय छे। त्यारे तमारुं विपरीत करियूं होत तो शूँ ज थात। पांडवों तमारुं भलूं कर्युं से तेनो तमे शोक करीने विनाश नहीं करो। हे राजेंद्र, जयां आगळ तमारो प्रसन्न पसंद्र थवुं जोईए अने पांडवों सत्कार करवो जोईए, त्यां आगळ तमे आम शोक करो छो ए तमारुं कर्तव्य विपरीत छे। माटे हवे देह त्याग करवो दड़हवा दो, ऊभा थावो अने प्रसन्न थईने तमारा सत्कर्मने याद करो। पांडवोने तेनुं राज्य पासुं आपो अने यश तथा धर्म पालन करो। तमने मारा कहेवा प्रमाणे करशो तो तमे ज जगतना कृतज्ञ गणाशो। हवे तमे पांडवोनी साथे भ्रातृ स्नेह बांधी તેઓને રાજ્ય ઉપર બેસાડીને તેમના પિતાનું રાજ્ય તેઓને પાછું આપો, જેથી તમને મૂર્ખ સુખ મળશે। વૈષ્ણવભાઈ કહે છે, રાજા શકુનીના આવા વચન સાંભળીને સુરવીર બંધુ ઉપર પ્રેમ રાખનાર અને હરિનંદ દમન કરનાર દુશાસન ઉદાસ થઈને પોતાના બંને શરણ ઉપર પડ્યો શોક કરતો હતો। તેના તરફ દ્રષ્ટિ કરીને તેને દુર્યોધન પોતાના શોક ભાઈમાનને બે બાહુ વડે ઊભો કર્યો અને પ્રેમથી આલિંગન કરીને તેના મસ્તકને સૂંઘ્યું। કર્ણના તથા શકુનીના વચન સાંભળ્યા પછી તે પરમ ખિંત્ર મનમાં લજાધીન અને અંતે અંત ઉદાર થઈને ગયો થઈ ગયો હતો। છતાં પોતાના સનેહોના વચનો સાંભળ્યા પછી ક્રોધ કરીને તેને કહેવા લાગ્યો કે મારે ધર્મનું તેમ ધનનું તેમ સુખનું તેમ ઐશ્વર્યનું તેમ રાજ્ય સત્તાનું તેમ વૈભવનું કંઈ પણ કામ નથી। તમે મારી પ્રતિક્ષાનો ભંગ કરો નહીં, પણ ઘેર જાઓ। મેં ઉપવાસ કરવાનો પાક્કો નિર્ણય કર્યો છે, તે હું કદી ફેરવનાર નથી। મારા ગુરુ અને પૂજ્ય એવા તમે સર્વ નગર પ્રત્યે જાઓ। આ પ્રમાણે સર્વને કહ્યું એટલે સંઘળાવો શત્રુ દમન રાજા દુર્યોધન ઉત્તર
आपियो के ए भरतवंशी राजेंद्र तमारी जे गति थसे तेज अमारी सर्वनी पण गति थसे। अमे तमारा विना नगर में केम जाइए सकिए। वैशंपाई कहे से राजा आ प्रमाणे मित्रोए मंत्रीए बंधुओए तथा परिचारक वर्गोए बहु रीते कही तो पण दुर्योधन पोताना निस्वयमांथी दगियो नहीं परंतु पोताना निस्वय प्रमाणे तेने शरीर ऊपर दर्भना वस्त्र धारण करिया उत्तम प्रतीक्षा प्रतिना नियमों लीधा। वाणी ने वश में राखी अने जड़नु आसमन लय पवित्र थई दुर्लभ दुर्लभ आसन पाथरी परलोक में जवानी इशाथी ते ऊपर बेसी ने उपवास करवा मांडिया। तेने बहारनी स्नान पान वगैरह सर्व क्रियानो त्याग कर दीधो ने मानसिक भाव थी पूजा करवा लाग्यो। दुर्योधन नो ते निस्वय जाणीने पाताल में रहनारा भयंकर दैत्यो ने दानवो जेवोने पूर्व देवोए जीत्या हता तेवोए विचार कर्यो के जो दुर्योधन मरण पामशे तो पण आपणा पक्षनो नाश थशे। तेथी दुर्योधन ने पोतानी पासे तेड़ावा माटे मंत्र विधा में कुशल एवा दैत्य बृहस्पति तथा शुक्राचार्य कहला मंत्रोसार तथा अर्थ वेद में करेला मंत्रों द्वारा अर्थवीणी कर्म ने आरंभ करियो। तेमज उपनिषद में मंत्र अने जप वाली जे क्रियाओं करेली छे ते क्रियाओं पण ब्राह्मणे ते वक्ते चालू करी दीधी। तेमज वेद अने वेद वेदगोमां पारगत अने व्रतोने अंत्यत दृढ़पणाथी पाड़नार ब्राह्मणों सारी रीते सावधान थईने अर्थवर्ण वेदना मंत्रोथी अग्निमां घी अने घीनो अने दूधनो होम करवा लाग्या। ते होम पूरो थई रह्यो अने कर्मनी सिद्धि थई छे। तथाक्ष महा आश्रयजनक बाहर आश्रयजनक नक एक कृत्य बगासा खाधी खाती खाती यज्ञ कुंडमांथी बाहर निकली आवीने ने हे राजा ते बोली उठी के कहो हूँ तमारू शू प्रिय करूँ। एटले दैत्योए अंत्यंत प्रसन्न थयेला अंतकरणनी ते कृत्योने आज्ञा करी के तू उपवास करता दुर्योधन राजा ने अमारी पासे उपाड़ी लाओ। ते कृत्य तथास्तु कहीने दैत्योनी आज्ञा ने स्वीकारीने मटकू मारवा मात्रामां ज्यां दुर्योधन धन बैठो हतो त्यां आगळ आवी अने दुर्योधन ने लईने पासी एक मुहूर्तमां रसातळमां पासी गई अने आणेला दुर्योधन ने दानवोनी पासे निवेदन कर्यो। दुर्योधन राजाए आवेलो जोयो के सर्व दानवोना मन प्रसन्न थई गया नेत्रो प्रफुल्लित थई गया अने तेवो संगड़ा रात्रे एकटा मळीने अभिमान साथे दुर्योधन ने आ प्रमाणे वसनो कहवा लाग्या। इंद्रिसी महाभारत आरण्य योश नामनो दुर्योधनो उपवास नामनो अध्याय 251 समाप्त। जय माताजी।